साहब बताएं आज क्या चल रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये फिल्म है हमारी, इसका नाम है टारगेट इंडिया। और ये फिल्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। जिस तरह से इसकी शूटिंग चल रही है, बहुत ही ज़ोरों से चल रही है। कम से कम एक साल हो गया इसको कंटिन्यू शूटिंग करते करते, और ये दुनिया के कम से कम 12 देशों में इसकी शूटिंग हुई है। और रियल आर्मी है और रियल लोकेशन, आर्मी और पुलिस आप लोग खुशी आ जाइए ना पीछे, रियल लोकेशन जैसे कि मनाली, शिमला, कश्मीर, इस तरह से जो रियल लोकेशन इस फिल्म के लिए फिल्माए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्म को दर्शाया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य अतिथि बहुत बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म से जुड़े हैं, जैसे कि ग्रेट खली द इंडियन आप सब जानते हैं, और भी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े महान कलाकार इसमें जुड़े हैं। और सबसे पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा किरदार कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मालिक का करम है, जब से गाड़ी पटरी पे आई है तो कंटिन्यू फिल्में कर रहा हूँ, और वन बाय वन सब फिल्में आपके सामने धीरे धीरे सिनेमा घरों में आ भी रही हैं। जैसे कि आपके किरदार की बात करें तो किस तरह किरदार है? मेरा किरदार इसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी का है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है और बहुत मायने रखता है मेरा किरदार इस फिल्म के लिए। और मुझे इस फिल्म को करने में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि मुझे विजय सक्सेना साहब ने मुझे बताया था कि यार इस पे काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, विजय सक्सेना जी ने मुझे बोला यार एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो तुम करो, तो मुझे बहुत ही अच्छा काम दिया विजय सक्सेना जी ने, और पूरी टीम का, पूरी यूनिट का, और हमारे जितने भी कलाकार इससे जुड़े हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिल्म इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबके सामने प्रोमो भी रिलीज हो जाएगी। क्या होगा वो बताओ आप, फिल्म के अंदर की कहानी के बारे में जाने को। फिल्म की कहानी एक इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, जैसे कि ISI, जैसे कि आप सब जानते हैं ISI एक जो एक संगठन है, जो विदेशी संगठन है, जैसे कि हाफिज सईद, ISI, जैसे कि हमारे यहाँ रॉ होती है, तो उसका ये मकसद है कि हिंदुस्तान में 15 अगस्त को ISI का झंडा लहराया जाएगा, तो उसको हिंदुस्तानी फौज। और ये शूट हुआ है, इसका शूट माशाल्लाह अपना कश्मीर में हुआ है, मनाली में हुआ है, शिमला में हुआ है, करनाल में हुआ है, और लगभग 12 देशों में इसका शूट हुआ है। आपके और आने वाले प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अभी बहुत जल्दी 7 तारीख को आएगा अपना भागते रहो रिलीज हो जाएगी, उसके बाद इंग्लिश की टाइटन फिस, सुपर जासूस, वेब गर्ल दिल्ली, बस बहुत सारी फिल्में हैं, इंशाल्लाह वन बाय वन आपको सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। ऑडियंस से क्या कहेंगे? बस मैं आप सबसे यही ऑडियंस से और सबसे यही आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मुझे सराहें, मेरे काम को सराहें, क्योंकि आप अगर मेरे काम को सराहेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, मैं और काम करते जाऊँगा। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बस इसी तरह बनाए रखिए। लव यू, थैंक यू वेरी मच। इस फिल्म में इसमें मैं विलेन हूँ, और एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है जिसकी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान में घुसपैठ करके और आतंक मचाया जाए, यहाँ के लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करता हो। और उसके बाद में जैसे ही हम इंडिया के बॉर्डर में घुसने की कोशिश करते हैं, ये जो ऑफिसर हैं ये मुझे ला करके विजय सक्सेना जी जो लीड रोल कर रहे हैं उनके पास लेके आते हैं, और वहाँ मेरी मतलब गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद में फिर वहाँ से ले करके ये जो एक डैम है जहाँ पे डैम पे गाना होगा वहाँ लेके आते हैं और वहाँ मुझे शूट आउट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, नेचुरल लोकेशन है, हमने अभी हिमाचल में शूटिंग की, तमाम कश्मीर में इन्होंने ओरिजिनल लोकेशन पर शूट किया। तो विजय सक्सेना जी, इनकी जो पूरी टीम है, और एक बहुत खूबसूरत फिल्म बन रही है, और एक बहुत जुनूनी आदमी है ये, और सबको इकट्ठा करना, नेचुरल लोकेशन पर शूट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये फिल्म बन गई तो एक इतिहास रच देगी। जिस तरीके से क्या संदेश देगी ये फिल्म जनता के लिए? ये जनता के लिए कि जो इंडिया और पाकिस्तान में जो चल रहा मामला आज, उस हिसाब से कि आज जो हिंदुस्तान के भी कुछ लोग जो हैं वो लोग मिले हुए हैं, और ये फिल्म जो है लोगों की आंखें खोल देगी।
15 अगस्त आ रहा है, तो अली खान का क्या संदेश होगा देश के लिए? मैं पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि ये मुल्क हमारा है, बहुत खूबसूरत मुल्क में, बहुत अच्छे देश में हम सब रहते हैं और जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो इस मुल्क का, इस देश की हिफाजत करें, हम सब का फर्ज बनता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये फिल्म कितनी सुपरहिट होगी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता है यही सोच के कि मेरी फिल्म जो है बहुत ज़्यादा हिट होगी, और चूँकि इसका जो सब्जेक्ट है ये देश के ऊपर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस फिल्म से उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा हिट होगी। जैसा कि लोकेशन, जैसा कि काम इन्होंने किया, और मतलब जो नेचुरल लोकेशन है वहाँ पे इन्होंने शूट किया, तो मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर बहुत अच्छी चलेगी, बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ेगी इंशाल्लाह। बहुत सारे मिलिट्री वाले भी आपके पीछे खड़े हैं। यस यस, बिल्कुल। डॉक्टर वेगराज सिंह, टारगेट इंडिया फिल्म में एक्ट कर रहा हूँ और इस फिल्म में मेरी भूमिका है एक BSF कमांडेंट की। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जवान की टुकड़ी मेरे साथ है, तो इसी तरह से हमने इसमें जो फिल्म का एक थीम है वो पैरा मिलिट्री पर फोकस्ड है। जनरली हमारे देश के वासी सब समझते हैं कि हमारी सेनाएं ही या मिलिट्री या आर्मी ही बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करती है। हमने इस फिल्म के जरिए ये वास्तविकता दर्शाई है कि असलियत में जो बॉर्डर लाइन पर खड़े होते हैं वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के होते हैं, जैसे BSF, CRPF, ITBP, SSB। इनका जो बॉर्डर पर रोल है वो हमारे डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती से इसमें फिल्म में दर्शाया है। एक मैसेज जाएगा इस फिल्म से हमारे सभी व्यूअर्स को, देश में और विदेशों में भी, कि एक देश की रक्षा करने वाले असली हीरो कौन होते हैं। सर, आपके किरदार की बात करें, आपका किरदार देखने को मिलेगा, कैसे आपने ये? मेरा किरदार इसमें, मेरी भूमिका जैसे मैंने बताया है कि BSF कमांडेंट की भूमिका है, मेरी ड्यूटी बॉर्डर पर होती है और हम लोग एक इंटेलिजेंसी के जरिए ये पता कर लेते हैं कि आतंकवादी और ISIS का चीफ इंडिया में घुसने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना सकता है। हम एक ट्रैप तैयार करते हैं, उस ट्रैप का इंचार्ज मुझे बनाया जाता है इस फिल्म में, कि जिसमें जो हमारे ISIS के चीफ हैं उनको एक हनी ट्रैप में फंसा के और उनको बॉर्डर में इंडिया में प्रवेश करने के लिए एक तरह से उनका सहयोग दर्शाते हैं और वो खुद हमारे पास आके हमें ब्राइब करते हैं और हम उनके मेरे किरदार में मैं उनको ये आश्वासन देता हूँ कि ठीक है, आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। दूसरी तरफ मैं अपने देश की जो मेरी एक ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज है, उसको निभाते हुए मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को जो इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं, प्रेम सिंह, उनको मैं इतला कर देता हूँ कि इस तरह से ऐसा है। जब मैं उनके पास जाता हूँ मुझे मालूम पड़ता है उनको पहले से ही सब मालूम है, वो घात लगा के बैठे रहते हैं और मैं इनको बॉर्डर क्रॉस करा के ले आता हूँ, ये मेरे भरोसे पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आते हैं, हमारी पहले से घात लगाती हुई टीम जो प्रेम सिंह लीड कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर में इसमें हीरो हैं इस फिल्म के, वो इनको लपक लेते हैं। ये मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि आर्मी मैन, आपने हमारे साथ गद्दारी की। उस समय मेरी गन इन्हीं की तरफ पॉइंट हो जाती है और मेरा एक बहुत अच्छा डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, मेरा एक सेंटेंस में आता है, गद्दारी नहीं वफादारी की है अपने वतन के साथ, और वहाँ इनको कैप्चर कर लिया जाता है। थैंक यू सर। इस फिल्म में मेरा किरदार है मिलिटेंट। मैं एक ISIS का मुखिया हूँ जो इंडिया में एक आर्मी का ड्रेस पहन के एंटर करते हैं और ये इंडिया टारगेट में जितने भी फिल्म में है, जो हम निगेटिव एक्टर हैं वही एक्टर हैं, बाकी सब इसमें जो भी है रियल है।
लोकेशन भी रियल है, इसमें जो आरबी वाले हैं वो भी रियल है, सब रियल है और बहुत अच्छा फिल्म है मेरे लिए और सबके लिए। संदेश क्या देंगे आप दर्शकों को, क्यों देखें फिल्म दर्शक? अब इसमें संदेश ये है कि भाई आजकल आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हमारे इंडिया और इसमें हो रहा है, तो इतना डिटेल में सब्जेक्ट के संदेश के बारे में नहीं बताऊंगा, ऑडियंस खुद देख के क्या संदेश है वो समझ जाएंगे। थैंक यू सर। रेडी? हाँ रेडी। या विजय सक्सेना नाम है। विजय सर, कितना मुश्किल होता है फिल्म डायरेक्ट करना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी? सर, लोग सोचते हैं दो घंटे में रिजल्ट आ जाता है कि पिक्चर ये है वैसी है। 3 साल से मैं इस पिक्चर पे वर्क कर रहा हूँ, 3 साल हो गए मुझे। सबसे पहले मैंने आर्मी लोगों से मिलना चालू किया, हर बॉर्डर पे जाना मैंने किया। उसके बाद में मैंने कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा किया कि हमारी एक ये कॉन्सेप्ट, ये स्टोरी है इसके ऊपर, ये सब के ऊपर। 2 साल के बाद मुझे परमिशन मिला पिक्चर बनाने का, काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। ओरिजिनल डिफेंस के ऊपर मूवी है हमारी, और तकलीफ तो बहुत होती है शूटिंग करने में, कभी लोकेशन की, कभी उनसे परमिशन लेने का। बस अभी तो कोशिश है कि 26 जनवरी को हम ये पिक्चर ला रहे हैं 100%। फिल्म है, क्या लगता है कि आने वाले समय में जाएगी? सर, ये हमारी मूवी फिल्म जैसे लोग बनाते वो उस टाइप की फिल्म नहीं है। इसमें हमारे जो ओरिजिनल देश के जवान हैं वो हीरो हैं, आर्मी वाले हैं, बीएसएफ वाले हैं, एसएसबी वाले हैं, CRPS है, नेवी, एयरफोर्स एंड पुलिस, सभी लोगों ने ओरिजिनल इसमें किरदार किए हुए हैं। सर, इस तरह का सब्जेक्ट क्यों आपने चूज किया? मतलब कि इतना बड़ा कैनवास है, आपने जगह जगह शूट किया है, इंडिया के हर कोने में शूट किया, बाहर शूट किया आपने, तो ये मतलब क्या मोटिव था आपका कि मैं ये सब्जेक्ट यही करूँ? एक्चुअली मैंने काफ़ी करीब से बॉर्डर को देखा, बॉर्डर में काफ़ी लोगों से, हमारी फैमिली भी है आर्मी में, तो काफ़ी लगाव था। तो हमने बोला एक फिल्म उन देश के लिए बनाना चाहता हूँ जो जवान हैं, जिनके बारे में कुछ किसी को पता ही नहीं कि वो लोग कैसे जीते हैं वहाँ पे, कैसे रहते हैं और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी को आज तक नहीं मालूम है। तो वो हम कुछ चीज़ें इसमें दिखाएंगे कि उनकी हकीकत क्या है। आप एक्ट भी कर रहे हैं? जी, इसमें हम एक भी कर रहे हैं जी, और आप प्रोड्यूस भी हैं? बिल्कुल। हाँ जी, तीनों काम एक साथ आपने कैसे मैनेज किया है ये बताओ? सर, बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे इसके लिए। अभी भी आप देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, जबकि अभी हम आपके सामने बैठा हूँ, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले हम अपने सारे आर्टिस्टों का काम कर रहा हूँ। स्टार कास्ट की बात करें तो कौन स्टार कास्ट जी? इसमें काफ़ी लोग हैं, जैसे अभी स्टार कास्ट में हमारे खली साहब भी हैं, इसमें अभी अमेरिका हैं, आज मैंने बात की है, तो वो मुझे नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे। हो सकता है कि मैं 25 तारीख को इसी मंथ में शूटिंग करने अमेरिका जाऊं। और इसमें सुशील कुमार भी है, सतपाल पहलवान, काफ़ी लोग हैं, मतलब IG, DIG, IPS सब ओरिजिनल लोग हैं इसमें। नत्था जी हैं, अली खान हैं, अरुण बख्शी जी हैं, इसमें हमारे गुलशन जी भी हैं, सारे मतलब अच्छे अच्छे सभी दोस्त लोग हैं हमारे जो काम कर रहे हैं इस टाइम पर। फिल्म कितना परसेंट पूरी हो चुकी है, कब तक लोग? सर, पिक्चर हमारी हो चुकी है 95% पूरी हो चुकी है, खाली 5% बाकी है। गाने की बात करें तो किस तरह के गाने? सर, इस पिक्चर में हमने 4 फेस्टिवल दिखाए हैं। एक ओरिजिनल ईद दिखाई है इसमें, ओरिजिनल ईद है, गणपति फेस्टिवल है, छठ पूजा है, 26 जनवरी भी है इसके अंदर। और एक हमारी जो डिजिटल इंडिया लॉन्च हुई थी उसका भी हमने बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर दिखाया। यूथ को कितना ध्यान में रखा है? यूथ को इसमें, जैसे अभी आपने जब से देखा है कि यूथ के पीछे सभी लोग दौड़ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद में इस पिक्चर में एक फ्रांस के हमारे प्रधानमंत्री भी हैं इस फिल्म में। जब हमने शूटिंग की थी फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट के अंदर 26 जनवरी से पहले, तो काफ़ी बड़े मतलब अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए इस मूवी में। सर, जैसे कि आपने कहा मैंने इस फिल्म पर 3 साल मेहनत की जी, दर्शक क्यों जुड़े हैं आपसे, क्या है फिल्म के अंदर कुछ ऐसा? दर्शक इसलिए जुड़े हैं कि ये डिफेंस पे पहली बार फिल्म बन रही हिंदुस्तान में, फर्स्ट, ये पहली फिल्म है ऐसी कि डिफेंस को लेके फिल्म बनाई जा रही है, अभी तक किसी ने नहीं बनाई। असली रीजन यही है कि हर देश की जनता जुड़ी है, तो इसीलिए जुड़ी है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर है। कब तक रिलीज करना है? सर, ये हमारी 26 जनवरी को हम रिलीज करेंगे इस फिल्म 2019 में। थैंक यू। किरदार के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का किरदार आपका है? देखिए, विजय सक्सेना साहब ने अप्रोच किया, ये फिल्म BSF पे बना रहे हैं, देशभक्ति की, टारगेट इंडिया,
और अपने आप की अलग ही फिल्म है ये। इसमें मेरा किरदार एक एसीपी का है पुलिस, और अभी रोल क्या है, कहाँ जा रहा है, उसका क्या ग्राफ है, मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं मालूम है। बुलाया है तो कुछ अच्छा ही होगा। कहानी किस तरह की है फिल्म, कुछ आपको आइडिया? कहानी का बारे में भी मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन इनने कहा है कि बीएसएफ के ऊपर है, जो बॉर्डर के बिल्कुल सामने रहते हैं दुश्मन के, उनके काफ़ी किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर आर्मी रहता है, तो ये बीएसएफ को बनाकर मेन ये बनाई जा रही है फिल्म। देशभक्ति फिल्म है और पुलिस ऑफिसर का किरदार आपको दिया गया है, तो किस तरह का रोल है आप? साफ सुथरा छवि के, बिल्कुल साफ सुथरा छवि का ही है, और वही कुछ एनकाउंटर्स हैं आज जो मैं करने वाला हूँ सीक्वेंस, जिसके बारे में मुझे बताया गया, आतंकवादियों के कुछ एनकाउंटर्स के सीन है, हमारा मुठभेड़ का सीन है, वो करने के लिए आया। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? संदेश मैं देना चाहूँगा कि सर, पुलिस, मिलिट्री, कोई भी सैनिक कहीं दिखाई दे जाए तो उनको पूरा सम्मान दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये ही हैं हमारे पूरे सम्मान के अधिकारी, और बस जय हिंद बोलूँगा, सब खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मूवी है और किस तरह का आपका रोल है? नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ साजिदा खान और मैं इस मूवी में बहुत अहम किरदार निभा रही हूँ। मूवी का नाम है टारगेट इंडिया, जो विजय सक्सेना जी बना रहे हैं। बहुत ही उम्दा पिक्चर बन रही है और इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। तो किस तरह का किरदार है इसमें आपका? मेरा किरदार थोड़ा नेगेटिव है, इसमें कसाब है, उसकी वाइफ का रोल है, तो बाकी देखते हैं आप। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू होल टीम एंड गॉड ब्लेस यू। 15 अगस्त भी आ रहा है, क्या शुभकामनाएं हैं आपको? बहुत अच्छी बात है, 15 अगस्त पे हमारी पिक्चर का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो मैं पूरी टीम को बधाई देती हूँ अपनी तरफ से, इंशाल्लाह ये पिक्चर हिट जाए, सुपर हिट जाए। थैंक यू।